तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल एमडी क्लासेस को एंड क्लिक करिए बेल आइकॉन पे इम्पोर्टेंट एजुकेशन वीडियो देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि रेलवे का जेई का एग्जाम आज हो चुका है 22 मई को। तो सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे कि जनरल साइंस के और करंट अफेयर्स के किस लेवल के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। डिटेल में हम लोग सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे रेलवे का जेई एग्जाम पैटर्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। स्टेज वन का सीपीटी एग्जामिनेशन 22 मई को आज सक्सेसफुली कंडक्ट हो चुका है ऑल ओवर इंडिया में। तो हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं जितने भी क्वेश्चंस हमारे पास में आए हैं, वो सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है। तो जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, तो यहां पे कोलकाता से शिफ्ट हुई थी दिल्ली में भारत की राजधानी 1911। इसका जो है करेक्ट आंसर होगा 1911 में। एशियन गेम 2018 कहां पर हुए हैं, तो आपको पूछा गया था कि एशियन गेम्स के बारे में। तो स्पोर्ट्स के ऊपर यहां पे काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए एग्जामिनेशन में। तो जो नेक्स्ट एग्जामिनेशन होने वाली है, नेक्स्ट शिफ्ट जो होगी आने वाले समय में, तो वहां पे भी स्पोर्ट्स के ऊपर काफी वेटेज दिया जाएगा। तो एशियन गेम 2018 हुआ है इंडोनेशिया में, और इंडोनेशिया की जो कैपिटल है वह है जकार्ता। किस मुख्यमंत्री को मामा नाम से जाना जाता है, आपको पूछा गया था कि किस मुख्यमंत्री को, किस भारत के मुख्यमंत्री को मामा नाम से जाना जाता है, उनका लोकप्रिय नाम जो है मामा है। तो उनका नाम है शिवराज सिंह चौहान, जो कि मध्य प्रदेश के सीएम है, यानी चीफ मिनिस्टर है मध्य प्रदेश के। तो उन्हें जाना जाता है मामा इस नाम से, काफी इंपोर्टेंट ये होगा। अगर आने वाले समय में आपका भी जेई का एग्जामिनेशन है, तो अगर आप ये पैटर्न अगर फॉलो करते हो, तो कहीं ना कहीं इसी पैटर्न के ऊपर आपको क्वेश्चंस बनेंगे एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, जैसा कि मूवी आई हुई थी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जैसा कि मोदी के ऊपर भी अभी रिसेंटली एक मूवी बनाई गई है, विवेक ओबराय जिन्होंने लीड रोल वहां पे निभाया, तो उसके बारे में भी आने वाले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, जिसके डायरेक्टर है विजय गुत्ते, काफी इंपोर्टेंट होगा। आईसीसी के चेयरमैन, आपको पूछा गया था कि आईसीसी के चेयरमैन कौन है, जैसे कि आपको मैंने बताया ऑलरेडी कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आईसीसी के चेयरमैन है शशांक मनोहर, आईसीसी के चेयरपर्सन है, काफी इंपोर्टेंट होगा। डेविस कप के ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछा गया था कि डेविस कप किस खेल से संबंधित है, तो डेविस कप इज द प्रीमियर इंटरनेशनल टीम इवेंट इन मेंस टेनिस, टेनिस इस खेल से संबंधित है डेविस कप। तो यहाँ पे आपको डेविस कप जो है किन्होंने जीता है, मेन्स में या फिर वुमेन्स में, तो आपको इसके रिगार्डिंग पढ़ना होगा। अगर आपके कमेंट्स होंगे तो इसके ऊपर हम लोग आने वाले समय में वीडियो आपको अपलोड प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। उड़ीसा के सीएम कौन है, आपको पूछा गया था कि उड़ीसा के सीएम कौन है, तो जिसका करेक्ट आंसर होगा नवीन पटनायक जो है उड़ीसा के सीएम है। और बात करेंगे गवर्नर की, तो उड़ीसा के जो गवर्नर है वो है गणेशी लाल, काफी इंपोर्टेंट ये होगा जिनका आने वाले शिफ्ट में जेई का एग्जामिनेशन है। तो उन लोग अगर ये पैटर्न अगर फॉलो करते हो, हम लोग आने वाले समय में मतलब इसी वीडियो में हम लोग रीजनिंग, मैथमेटिक्स और जनरल साइंस भी डिस्कस करेंगे। तो आपको वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर देना है। पहला वर्ल्ड कप कहां पर हुआ था, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था, तो जिसका करेक्ट आंसर होगा इंग्लैंड। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्पोर्ट के ऊपर काफी वेटेज दिया गया है, और सीएम यानी चीफ मिनिस्टर हो गए या फिर वहां के गवर्नर हो गए, तो जो पॉलिटिकल करंट अफेयर से सीएम गवर्नर यहां पे काफी वेटेज दिया गया। कर्नाटका के सीएम है कुमार स्वामी, और कुमार स्वामी जो है कर्नाटका के सीएम है, और कर्नाटका के जो गवर्नर है वह है वज्जूभाई वाला। क्लीनेस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया, यह क्वेश्चन पूछा गया था आपको कि भारत का सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो जिसका करेक्ट आंसर होगा साउथ सेंट्रल रेलवे स्टेशन, काफी इंपोर्टेंट ये होगा। बेस्ट अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड किसे दिया गया है, ठीक है, बेस्ट एक्टर यहाँ पे लिखना है, बेस्ट एक्टर अवार्ड किसे दिया गया है, ऑस्कर की हम लोग बात कर रहे हैं, तो जिसका करेक्ट आंसर होगा रामी मेलेक, रामी मेलेक इन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। ऑस्कर के अवार्ड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे और कुछ क्वेश्चंस के ऊपर आपको पूछे गए थे, जो सारे क्वेश्चंस हमारे पास में नहीं आ चुके हैं, बट टॉपिक मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा कि किन टॉपिक्स को आपको करके जाना है आने वाली शिफ्ट में, ठीक है।
तो इंडेक्स के ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो इंडेक्स आपको पढ़ के जाना है। गवर्नर के ऊपर आपको क्वेश्चंस बन रहे हैं, चीफ मिनिस्टर के ऊपर आपको क्वेश्चन बन रहे हैं, पर्सन इन न्यूज के बारे में आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं एग्जामिनेशन में, केमिकल फॉर्मूलाज के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन बन रहे हैं, सीईओ यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, चाहे वो आईसीसी या फिर आईसीआईसीआई या फिर हो किसी इंडस्ट्री के सीईओ, या फिर आपको एप्पल के बारे में या फिर माइक्रोसॉफ्ट के या फिर अमेजोन या फ्लिपकार्ट सीईओ यहां पे आपको पढ़ के जाना होगा अगर आपकी नेक्स्ट एग्जामिनेशन है आरआरबी जेई का। अगर आपका एग्जामिनेशन है तो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में आपको यहां पे सवाल पूछे गए हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये भी एक इंडेक्स का क्वेश्चन है, तो यहां पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से रिलेटेड यहां पे क्वेश्चंस पूछा गया था। हाउ मेनी सीट्स ऑफ पंजाब लोकसभा है, पंजाब लोकसभा में कितनी सीटें हैं लोकसभा की, यहां पे आपको राज्यसभा की सीटें भी आपको पढ़ के जाना होगा आने वाली शिफ्ट में। ईयर ऑफ रनवे बुक के बारे में आपको पूछा गया था, यानी बुक्स एंड ऑथर के बारे में आपको यहां पे सवाल पूछे जा रहे हैं। स्वीडन की कैपिटल यहां पे आपको पूछी गई थी, जिसका करेक्ट आंसर होगा स्टॉकहोम, जो है स्वीडन की कैपिटल है। लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट इन इंडिया, जिसका करेक्ट आंसर था राजेंद्र प्रसाद, जो है लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। फ्लोटिंग नेशनल पार्क के बारे में आपको यहां पे क्वेश्चन पूछा गया था, जिसका करेक्ट आंसर है कैपुल लामजाऊ नेशनल पार्क, जो कि मणिपुर में स्थित है। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो कि करंट अफेयर से आपको पूछे गए थे एग्जामिनेशन में। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि मैथमेटिक्स के किन टॉपिक्स के ऊपर आपको क्वेश्चंस बने हैं एग्जामिनेशन में। तो नंबर सिस्टम एंड बोर्ड मार्क्स के ऊपर यहां पे काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं कैंडिडेट को। तो बोर्ड मार्क्स के ऊपर सिंपली सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस आपको बने हैं, नंबर सिस्टम के ऊपर भी यहां पे आपको 2 से 3 क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को मिले हैं, डेसिमल्स फ्रैक्शंस के ऊपर आपको क्वेश्चंस बने हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में आपको 1 से 2 क्वेश्चंस यहां पे पूछे जा रहे हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के ऊपर भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन यहां पे देखने को मिल रहे हैं, परसेंटेज के ऊपर यहां पे आपको 2 क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं, मेंसुरेशन भी आपको पूछा जा रहा है, टाइम एंड वर्क एंड टाइम एंड डिस्टेंस मिला के आपको 2 से 3 क्वेश्चन यहां पे एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। तो ये सारे टॉपिक आपको करके जाना है, एक बार यह वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिए। इसके बाद हम लोग रीजनिंग, करंट अफेयर्स और जनरल साइंस भी डिस्कस करने वाले हैं इसी वीडियो में, ठीक है। तो सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में आपको क्वेश्चन बन रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस आपको अच्छे से करके जाना है, क्योंकि 2 क्वेश्चन यहां पे तकरीबन देखने को मिल रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस के। अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री के क्वेश्चंस भी आपको एग्जामिनेशन में बन रहे हैं, यानी एडवांस मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस भी आपको यहां पे पूछे जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री भी यहां पे पूछा जा रहा है, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स एंड स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर एंड क्लॉक के ऊपर एंड पाइप्स एंड सिट्रस के ऊपर आपको क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में देखने को मिल रहे। तो मैथमेटिक्स जो है काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, और यहां पे नंबर सिस्टम एंड बोर्ड मार्क्स एंड कुछ बेसिक लेवल के वर्ड प्रॉब्लम भी आपको पूछे जा रहे हैं एग्जामिनेशन में, जो कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको कराए हुए हैं। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बात करेंगे रीजनिंग इस टॉपिक की। तो अल्फाबेट सीरीज के ऊपर आपको क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं 2 से 3। कोडिंग डिकोडिंग जो है काफी फेवरेट रहा है रेलवे एग्जामिनेशन का, तो कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर आपको क्वेश्चन बन रहे हैं एग्जामिनेशन में। डायरेक्शन सेंस के ऊपर आपको यहां पे 1 से 2 क्वेश्चन यहां पे देखने को मिल रहे हैं। ब्लड रेशन के बारे में 1 सवाल आपको पूछा जा रहा है। आपको एग्जामिनेशन में पजल भी देखने को मिलेगी, रैंकिंग के ऊपर यहाँ पे पजल पूछी गई है, आपको हो सकता है सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड पजल देखने को मिले, जो कि 3 या 4 नंबर का आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है। उसके बाद में जितने भी टॉपिक्स होते हैं, जैसा एनालॉजीज के ऊपर क्वेश्चन बन रहे हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, रिलेशनशिप्स के बारे में आपको यहाँ पे सवाल बन रहे एग्जामिनेशन में, जंबलिंग के ऊपर क्वेश्चंस बन रहे हैं, वेन डायग्राम जो है रेलवे एग्जामिनेशन का काफी फेवरेट ये टॉपिक रहा है, तो वेन डायग्राम यहाँ पे पूछा जा रहा है, 2 नंबर का यहाँ पे आपको वेन डायग्राम देखने को मिलेगा एग्जामिनेशन में। डेटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशियंसी के यहाँ पे 3 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे रेलवे का काफी फेवरेट सब्जेक्ट ये रहा है। अगर इसके प्रीवियसली अगर आपने रेलवे के एग्जामिनेशन दिए होंगे तो आपने देखे होंगे कि डेटा सफिशियंसी के क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है यहाँ पे डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस के क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, एंड एनालिटिक रीजनिंग के ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। क्लासिफिकेशन ये टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रीजनिंग जो है ये काफी वाइड एक सब्जेक्ट है और काफी डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन यहाँ पे निकल के सामने आते हैं, तो आपको ये सारे टॉपिक करके जाना है। इवन स्टेटमेंट के ऊपर आपको क्वेश्चन बन रहे हैं, आर्गुमेंट्स एंड अजम्पशंस के ऊपर आपको 1 से 2 सवाल यहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो ये सारे टॉपिक आपको करके जाना है रीजनिंग इस सब्जेक्ट में। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जनरल
जनरल अवेयरनेस में आपके पास में जितना भी समय बचा हुआ है, इतने समय में आपको क्या टॉपिक के ऊपर वेटेज देना है, कितना समय आपको देना है जनरल अवेयरनेस पर, और किन टॉपिक को आपको रेफर करके जाना है, प्रेफर करके जाना है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वेटेज देना है आपको स्पोर्ट्स के ऊपर, ठीक है। स्पोर्ट्स आपको पढ़ के जाना है, टोटल स्पोर्ट का करंट अफेयर्स आपको पढ़ के जाना है, बुक्स एंड ऑथर आपको पढ़ के जाना है, इंडेक्सेस आपको पढ़ के जाना है, चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर्स, भारत के जितने भी चीफ मिनिस्टर है एंड गवर्नर्स है उनके बारे में आपको पढ़ के जाना है, पर्सन इन न्यूज, जो भी पर्सन अभी हाल फिलहाल में न्यूज में रहा है, चाहे वो हो CEO, MD या कोई भी, अगर वो पर्सन किसी पोजिशन में है तो उसके बारे में आपको जो है पता होना चाहिए एग्जामिनेशन देने के पहले। तो आपको पर्सन इन न्यूज ये टॉपिक जो है करके जाना होगा। इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर आपको क्वेश्चंस बन रहे हैं, कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं एग्जामिनेशन में। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं जनरल अवेयरनेस में। इंडियन इकोनॉमी भी आपको पढ़ के जाना होगा क्योंकि बैंकिंग के कुछ टर्म भी यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं एग्जामिनेशन में। बैंकिंग जो है काफी इंपॉर्टेंट होता है, इकोनॉमी काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो एक से दो सवाल यहाँ पे आपको इंडियन इकोनॉमिक से बनेंगे। इन्वायरमेंटल इश्यूज कंसर्निंग इंडिया एंड द वर्ल्ड, जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के ऊपर यहाँ पे आपको पढ़ के जाना होगा। जनरल अवेयरनेस जो है काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, और नेशनल करंट अफेयर्स के साथ में आपको इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की जानकारी भी यहाँ पे होना चाहिए। अगर बात करेंगे जनरल साइंस की तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस के ऊपर यानी बायोलॉजी के ऊपर यहाँ पे आपको सवाल देखने को मिल रहे हैं। अप टू 10th स्टैंडर्ड CBSE सिलेबस के अनुसार आपको पढ़ के जाना होगा, जो कि रेलवे ने अपने ऑफिशियल सिलेबस में दे रखा था कि जनरल साइंस में आपको किन टॉपिक के ऊपर पढ़ के जाना है, यानी किन टॉपिक के ऊपर सवाल बनेंगे। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस के क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। आने वाले समय में जनरल साइंस के ऊपर सारी डिटेल मैं दूंगा, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस में आपको किन टॉपिक को पढ़ के जाना है। आपको करना बस इतना है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स तक, और चैनल को आपको जरूर से सब्सक्राइब कर देना है। अगर आपके कुछ भी डाउट्स होंगे, अगर आपकी अगर नेक्स्ट शिफ्ट है तो आपको वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है, और जो भी क्वेश्चन आपके पास में होंगे जो कि पूछे गए हैं रेलवे के JEE एग्जामिनेशन में, तो वो सारे क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। तो यही था गाइस एक वीडियो जिसमें हमने डिस्कस की है कि 22 मई 2019 को जो एग्जामिनेशन हुआ है रेलवे JEE का, तो किस लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछे गए हैं, चाहे वो जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, रीजनिंग या फिर मैथमेटिक्स। तो सारे सवाल भी हमने देखे हैं कि किन किन टॉपिक्स को आपको करके जाना है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है एक बार ही आप नोट डाउन कर लीजिए, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स तक, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच गाइज।